हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग महाशिवरात्रि स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग जाने वाले हैं कोरलवा में, जो ध्वजधारी पहाड़ झारखंड धाम है वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं। पूरा चढ़ने वाले हैं, पूरा ऊपर पहाड़ी जो है ना वहां पर हम लोग चढ़ने वाले हैं। वहां से कुछ वीडियोज कुछ फुटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो भाई बहुत सारा भीड़ है और भी भीड़ लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा जितना हो सके। अगर आप नहीं आए हैं तो घर से ही देखिए पूरा मस्ती से, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए मैं ले चलता हूँ आपको झारखंड धाम, जो कोरमा में स्थित है। झारखंड में भाई कोरमा स्टेशन सबको लगभग 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आना चाहते आ सकते हो भाई। इससे पहले हम लोग पार्श्वनाथ भी गए थे, वहाँ भी काफ़ी सारा भीड़ था। वहाँ का भी वीडियो मैंने बना रखा हूँ, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए दोस्तों चढ़ते हैं ध्वजधारी पहाड़ यानी ध्वजधारी धाम। वहाँ के कुछ वीडियो फोटो मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों दोस्तों। फाइनली हम लोग ध्वजधारी धाम के सबसे ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हो ऊपर साइड। वहाँ बहुत भीड़ है लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ देख सकते हो, यहाँ से कुछ ऐसा आपको दिखेगा, पूरा हालत ख़राब हो गई है भाई। ऊपर से स्वेटर भी पहने हैं, उससे भी और भी हालत ख़राब है। इधर देखो पूरा भीड़ ही भीड़ है। अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं। यहाँ का सीन आप देख रहे हो, यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा। और दोस्तों इससे पहले हम लोग पार्श्वनाथ हिल गए थे, वहाँ का भी वीडियो मैंने बना रखा हूँ, मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हो। और महाशिवरात्रि स्पेशल में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं ध्वजधारी धाम, जो कोडरमा में पड़ता है, झारखंड में है। और हम लोग चढ़ चुके हैं, देख सकते हो भाई इधर साइड। अब दोस्तों हम लोग नीचे जाने वाले हैं। हम लोग तीन लोग आए हुए हैं, देख सकते हो, एक सिंटू और एक राजेश है, और हमको तो पहचानते होंगे इंदिरा ब्लॉक्स। तो हम लोग तीन लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अब हम लोग जाएंगे नीचे, कुछ ऐसा सीन है, देख लो दोबारा। बहुत भीड़ है भाई, देखो बहुत भीड़ है। अब जाते हैं नीचे, नीचे के कुछ नज़ारे में आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इधर ही आ गए, फिर नीचे घुमाता हूँ आपको। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये मेन गेट ऊपर जाने का, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। लेकिन हम लोग जाएंगे ना, हम लोग कुछ और काम है तो हम लोग जल्दी ही यहाँ से उतरने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नीचे जाते हैं।
सीजन देखी हम छिपे छिपाए हम बना। ये देखो भाई कितना भीड़ है, हम लोग पूरा नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। ये देखो यार। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखो यार कितना भीड़ है। तो दोस्तों हम लोग नीचे उतर चुके हैं, अब मैं आपको इधर का कुछ नज़ारे में दिखाता हूँ। बहुत सारा मंदिर यहाँ बना हुआ है, काफ़ी शोर भी हो रहा है, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर शादी ब्याह सब होता है भाई। अब शिव जी का शादी तो हो ही गया, अब तो हम लोग का बारी है, यानी जो लोग करवाना चाहते हैं उसका होगा। पूरा मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर वगैरह, उधर ही हम लोग जा रहे हैं। पूरा हालत ख़राब हो गया यार, हल्ला बहुत हो रहा है, लेकिन मैनेज करो, कीर्तन हो रहा है भगवान का। दोस्तों देख सकते हो कीर्तन हो रहा है, चल चल। अब दोस्तों मैं आपको कुछ झूला वगैरह मैं दिखा देता हूँ, झूला भी लगा हुआ है। ये दोस्तों हम लोग निकलने वाले हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, देख सकते हो भाई बहुत भीड़ है, पूरा भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। ये देखो पूरा भीड़ है, देख सकते हो। दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं धोरेघर धाम से, ये देख सकते हो भाई मेन रोड पर हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ के आप जा सकते हैं जहाँ पर आपको जाना होगा, पुररमा स्टेशन। अभी हम लोग जाएंगे दोस्तों सदर अस्पताल, वहीं पर हम लोग का बाइक है और निकलेंगे भाई। इससे पहले दोस्तों हम लोग गए थे पारसनाथ हिल, वहाँ का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, और पास में ही था धोरेघर धाम, हम लोग नहीं आए थे, लेकिन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग आ गए हैं। तो बस भाई लोग हो गया घूमना उमना, आप भी आना चाहते तो आ जाओ, घूम लो पूरा मज़े से।
बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। अगर आप आना चाहते हैं तो भाई पॉकेट वगैरह संभाल के आना, जो भी बटवा वगैरह है, पर्स वगैरह सब संभाल लेना, नहीं तो भाई जाएगा। चोरी वगैरह बहुत होता है, ठीक है, संभल के। पुलिस प्रशासन भी है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखो पुलिस प्रशासन भी लोग जा रहे हैं, लेकिन मज़ा आ गया भाई। गर्मी भी बहुत है। तो भाई मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।